नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आज ये वीडियो मैं नेक्स्ट सेशन के स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ। सभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, टेंथ हो, ट्वेल्थ हो, बच्चे फ्री हो गए बोर्ड से। अब उनको अपनी अगली मंजिल के लिए कदम बढ़ाने हैं, अगले गोल डिसाइड करने हैं। निश्चित रूप से गोल डिसाइड आपको करने हैं, मंजिल डिसाइड आपको करनी है। उस मंजिल पे जाने का अनुभव, व्यवस्थाएं, संसाधन, सुविधाएं देने का काम हम लोग करते हैं, कोचिंग संस्थान करती हैं। आपके अपने सीएलसी इस काम को पिछले 28 साल से बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत अनुभव के साथ, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता की थीम पे काम करते हुए कर रही है। क्लास वाइज बात करूं, बच्चों आप सब जानते हो कि आपकी सीएलसी नीट, जेईई और एनडीए इन तीनों पे काम करता है और अपना खुद का स्कूल भी रन करता है, राजस्थान बोर्ड के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। एक एक पॉइंट पे बात करता हूँ गार्जियन साहब के साथ में। यदि अपने बच्चे ने अभी टेंथ का एग्जाम दिया है तो आप उसे 11th 12th फाउंडेशन के लिए सीएलसी ज्वाइन कराएं। 17 अप्रैल 2023 से अगला बैच स्टार्ट हो रहा है। यूं कहूं, अब हर मंडे को अगला बैच स्टार्ट होगा, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, एनडीए के लिए भी। ये बच्चा हमारे साथ 2 साल रहेगा। यदि आपके बच्चे ने भी 12th का एग्जाम दिया है तो वो 1 साल टारगेट कोर्स के लिए हमारे पास रहेगा। यदि आपके बच्चे ने 11th का एग्जाम दिया है और आपको लगता है कि 11th स्कूलिंग से या कहीं इधर उधर से डिस्टर्ब हो गया, मुझे नीट जेई 2024 क्रैक करना है बट 11th डिस्टर्ब है, तो आप हमारा 2-in-1 का कोर्स आके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आखिरी बैच हम लोग 8 मई से शुरू करने जा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है, 10th पास बच्चा तो पास हो गया है, एग्जाम दे लिया, पास है, 10th का एग्जाम दिया है, 11th का एग्जाम दिया है या 12th का एग्जाम दिया है इस सेशन में, तो आप अगले सेशन के लिए हर मंडे को सीएलसी आके अपने कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है 6, 7, 8, 9, 10 का बच्चा, जिसका आजकल जमाना चेंज हो गया, प्री फाउंडेशन बच्चे ज्वाइन करते हैं, उन सब के बैचेज हर मंडे को स्टार्ट होने जा रहे हैं। सीकर में सीबीएसई का एक बहुत अच्छा स्कूल हमने डेवलप किया है सीआईएस के नाम पे, जहाँ प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। राजस्थान बोर्ड का स्कूल केवीएम हमारा चल रहा है बहुत पहले से, वहाँ भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, 11, 12 में साइंस स्ट्रीम है, एग्रीकल्चर है, आर्ट्स है, दोनों मीडियम में है। गार्जियन निश्चित रूप से, इतना बड़ा स्टेट राजस्थान है, हरियाणा, पूरा उत्तरी भारत के बच्चे जब सीएलसी में आ रहे हैं, आपके पास बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत से स्कूल्स हैं, ऑप्शन होते हैं। कई बार आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं किस संस्था चुनाव करूं, जो हर संस्था कहती है मैं अच्छा कर रहा हूं, हर संस्था के कुछ अपने लोग आपको मिल जाए मार्केट में, वो उसी संस्था की बात करेंगे। लेकिन कहीं भी एडमिशन लेने से पहले आपको अपना खुद का फैसला करना होगा। मैं सीएलसी के बारे में बता दूं, सीएलसी में एडमिशन लेंगे तो औरों से अलग आपको क्या मिलेगा। सबसे पहली बात, सीएलसी एक वो संस्था है हर बच्चे पे काम करती है। हमारी संस्था कुछ चंद बच्चों के बैच फिल्टर करके उन पे काम नहीं करती, हम 100% बच्चे पे काम करते हैं। सीएलसी 28 साल से उत्तरोत्तर अपनी प्रगति कर रही है, तो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की टीम, यहाँ की फैकल्टी श्रेष्ठ है। सीएलसी के पास हर सब्जेक्ट के दी बेस्ट फैकल्टी मेंबर काम करते हैं, अपने खुद के स्टडी मटेरियल के साथ, खुद के अपने टेस्ट सीरीज के साथ, और एक बहुत सुंदर सी व्यवस्थाओं के साथ संस्था काम करती है। दोस्तों, जब एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी व्यक्ति को खाना खाना है, अच्छा भोजन करना है, तो सबसे पहली बात है भोजन अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, बट जिस पात्र में भोजन करें वो पात्र साफ होना चाहिए, उसके बाद जहाँ बैठ के भोजन करें वो जगह भी साफ होनी चाहिए, यानी वहाँ बदबूदार जगह नहीं हो, अच्छा भोजन, अच्छा पात्र और अच्छा वातावरण, अच्छे स्थान जहाँ बैठ के भोजन प्रसादी ग्रहण करें, ये बात पढ़ाई के साथ है। अच्छी फैकल्टी बिल्कुल हमारे पास, उसके बाद आता अच्छा पात्र, बहुत खुला सा हमारा कैंपस, उसके बाद आता वो वहाँ की जो पात्र है, जगह है, वहाँ का एनवायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी सीएलसी देती है। रिजल्ट 96 से लेके आज तक उत्तरोत्तर बढ़ता आया हमारा। और मैं एक बात बहुत कड़वी कहता हूँ, यहाँ पर सत्य कड़वी बात कहता हूँ, जो भी जितने बच्चे किसी भी संस्था में नीट या जेईई की तैयारी करने के लिए आते हैं, उन सबका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, किसी कोचिंग से नहीं, सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। तो बाकी बच्चों में क्या हो, बस यही फर्क है अन्य संस्था में सीएलसी में, बाकी अन्य संस्थाओं के लिए वो कस्टमर होते हैं, रिजल्ट के उस बच्चे निकाल लेते हैं, रिजल्ट बना देते हैं और जय राम जी बोल देते हैं। सीएलसी
हर लास्ट बच्चे से काम करती है। इसका एग्जाम्पल है, अभी आप देखते हैं रोज रात को 12 बजे मैं कैंप छोड़ता हूं, करीब 2500 से 3000 बच्चा कैंप में आके बैठता है, हर बच्चा आके बैठता है, हर बच्चे पे काम होता है। वहां 200 का बच्चा बैठ रहा है, 700 का बच्चा बैठ रहा है, हमारे लिए सब बराबर है, क्योंकि हर बच्चा अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया सा अपनी माँ का आँख का तारा हुई है। दुनिया के लिए अक्सर बात कहता हूं मैं, दुनिया के लिए एक व्यक्ति केवल जनसंख्या होता है, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया होता है। आज जो आपका बेटा बेटी है 15 साल बाद वही सब कुछ आपका होगा साहब, वो आपकी पूरी दुनिया होगी। इसलिए गार्जियंस आप दिग्भ्रमित नहीं हो, अनावश्यक मकर जाल में नहीं उलझे, कहीं विज्ञापनों के भ्रम जाल में नहीं उलझे। एक श्रेष्ठ संस्था चुनाव करें तो सीकर आके आप सेल्स से आए, जहां मेहनत होती है, बच्चे के साथ एक अनुशासन रहता है, शाम को डेली 7 बजे बच्चे को असेंबली के माध्यम से जिंदगी जीना सिखाया जाता है। सेल्सी जीतना भी सिखाती है, सेल्सी जीना भी सिखाती है। तो गार्जियन अब आप लेट नहीं करें, एग्जाम बोर्ड के हो चुके हैं, रिजल्ट का वेट नहीं करें, आप सीकर आएं, सेल्सी विजिट करें, मैं खुद यहीं उपलब्ध हूँ, आप मेरे से आके मिलें और अपने बच्चे को सेल्सी के हाथों सुपुर्द करें, ताकि हम आपके सपनों को बड़ा भी कर सकें, पूरा भी कर सकें। हर मंडे को आपकी संस्था बैच स्टार्ट करेगी। मैं तय कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको चाहे स्कूलिंग करना हो, आपको चाहे फ्री फाउंडेशन करना हो, चाहे आपको फाउंडेशन करना हो, चाहे आपको टारगेट करना हो, स्कूलिंग करना हो, CBSE करना हो, RBC करना हो, तो आप संस्था के साथ जुड़ें। और अभी एडमिशन्स का दौर चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब गार्जियंस एडमिशन के लिए अलग अलग स्थान से आए हैं, एक प्रॉपरली व्यवस्थाओं के साथ हमारे प्रॉपर काउंसलर्स जो हैं वो इनसे बात कर रहे हैं। आप जब संस्था आएंगे तो इस तरह हमारी लॉबी में एक पूरी सुंदर सी व्यवस्थाओं के साथ हमारा काम होता है। ये हमारे सेपरेट केबिन्स हैं जहाँ हमारे काउंसलर्स बैठे हैं, घर केबिन में एक बहुत परफेक्ट काउंसलर जो हैं वो गार्जियंस के साथ दोस्तों बातचीत कर रहे हैं। और रात को जो कैंप आप देखते हैं, सेल्स सीकर का फेसबुक पेज और सेल्स सीकर का यूट्यूब चैनल जो है ना, उन दोनों का आप सब्सक्राइब करें, नहीं किया हो, वहाँ संस्था के बारे में सारी बातें डिस्कस होती हैं, रिजल्ट्स के बारे में बातें डिस्कस होती हैं। और डियर रिजल्ट की बात करें तो सामने गेट पे कुछ बहुत सुंदर से फ्लक्स हमारे इन बच्चों लगाए हैं, आप देख सकते हैं, पिछले मात्र 4 साल में दिल्ली एम्स में 9 बच्चा भेजने वाले आपकी CLC है, नीट या JEE। मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर नीट और JEE दोनों पे पैरेलल काम करने वाला सीकर का एकमात्र संस्थान है। आप देखें यहाँ संडे को जिस तरह एडमिशन्स का हमारे अपनों का विश्वास है, एक पार्किंग में आप देखें यहाँ गाड़ी पार्क करने को जगह नहीं है, सबसे बड़ा कैंपस CLC का है। उसके बाद भी आप देखें ये हमारा वो ग्राउंड है जहाँ शाम को बच्चों की असेंबली होती है, बच्चे को डेली उनसे बात की जाती है। जिस कैंपस में आप खड़े हैं वो कैंपस बहुत सात्विक है, बहुत संस्कारी है, बहुत मोटिवेशनल है, बच्चा आपका सा, फैसला आपको करना है। एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, एक बात जरूर कह सकता हूँ कि आप केवल के 5-10 हज़ार रुपये की फीस के लालच में, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, आजकल मार्केट में कमीशन बेस्ड लोग, दलाल टाइप के लोग जिंदगी में मिल जाएंगे, तो आप ऐसा नहीं हो कि किसी दलाल या किसी कमीशन वाले व्यक्ति के संपर्क में आके मात्र 5-10 हज़ार के चक्कर में आप अपने बच्चे का पूरा करियर खराब कर ले साहब। इसलिए डियर पॉजिटिव मानसिकता के साथ खुद का आपका फैसला हो, खुद अपना फैसला करते हुए आप किसी भी संस्था का चुनाव करने से पहले खुद का फैसला करें, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि CLC जो है वह परफेक्ट काम करती है। CLC की जो टैगलाइन लिखी हुई है, शिक्षा संस्कार सुरक्षा सफलता, इन चारों पॉइंट्स पे हम लोग बड़ा काम करते हैं। हमारे सुनील सर खड़े रिसेप्शन पे, नवरत्न जी हैं, ये सब लोग हैं बिल्कुल पूरे टाइम बच्चों के केयर के लिए, हमारे भीम जी हैं रात को आप जानते हो पूरी रात जगते हैं मेरे साथ 12 बजे तक। तो ये कुछ बातें आपसे मुझे इस वीडियो के माध्यम करनी थी। नो डाउट हर बात अखबार के माध्यम से नहीं कही जा सकती, हर बात कहने के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये जगह मेरी फिक्स बैठने के लिए, आप जब आओगे तो मैं सुनील हम में से दोनों को ही यहीं बैठा मिलेगा। तो डियर सपने बड़े करें और मिलकर पूरे करें। हर मंडे नया बैच, नमस्कार, जय सिंह।